अनुराग स्वर और लय दोनों में बड़ा अच्छा उनका अध्ययन है और बड़े मेहनती हैं वो, और जहाँ भी जाते हैं गुरुकुल का नाम करते हैं, अच्छा गाते बजाते हैं और अच्छे लोगों के कलाकारों के साथ में काम करते हैं, और क्या चाहिए मुझे, इसी को देख के आनंद आता है। उन्होंने अपने गुरुकुल में रखा। नमस्कार, मेरा नाम है मनुराज सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बांसुरी सप्तक का YouTube ट्यूटोरियल चैनल। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं मीन के बारे में कि बांसुरी में मीन कैसे बजाते हैं। इससे पहले मैंने मीन का एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, जिसमें मैंने शेयर किया कि वन नोट मीन कैसे बजाते हैं या स्लाइड प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें वन नोट मीन को कैसे हम अभ्यास करें, एक एक स्वर को कैसे कितने मेट्रोनोम में अभ्यास करना चाहिए, वो अगर आपको आएगा तब आप ये वाला वीडियो समझ पाएंगे। उन दोनों वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वन नोट मीन जानने के बाद आप दो नोट की जो मीन है और तीन नोट की मीन है, चार नोट की मीन है, वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हर वीडियो में मुझसे सब लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी बांसुरी बजाता हूँ वीडियोस में, तो ज़्यादातर मैं ई का फ्लूट बजाता हूँ और ये फ्लूट है हर्षवर्धन जी की, जो कि गुरुग्राम में रहते हैं और मुझे काफ़ी पसंद है उनकी फ्लूट। लेकिन जब भी आप मीन का अभ्यास करें तो मेट्रोनोम के साथ करेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो मेट्रोनोम का स्पीड आप रखिए 30 और एक बीट के साथ एक स्वर की मीन प्रैक्टिस करनी है, वो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिए। और आज हम बात कर रहे हैं दो स्वरों की मीन कैसे बजाते हैं। तो मैं अभी दो स्वरों की मीन बजा रहा हूं, उसका मेट्रोनोम भी हम रखेंगे 30 BPM। आई होप आपको ये आवाज आ रही है मेट्रोनोम की। सो दो नोट की मीन मतलब पा से नी का, अब पा की जो मीन आएगी वो नी से आएगी। अब ढा की मीन सा से आएगी। साउंड होता है उस साउंड पे आपको मीन लेनी है। अब नी की मीन आएगी रे से, क्योंकि हम दो नोट मीन बजा रहे हैं। अब सा की मीन आएगी गा से। मध्यम की मीन आएगी, सॉरी रे की मीन आएगी मा से। और गंधार की मीन आएगी पंचम से। गंधार की जब मीन आती है पंचम से, दो स्वरों की मीन जब हम बजाते हैं तो पूरा एक कर्व नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारी फ्लूट में यहाँ पे मध्यम के बाद जब पा बजाते हैं तो कट आता है, कट होता ही है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन फ्लूट जो होती हैं
उसमें पंचम यही होता है, और जो साउथ इंडियन फ्लूट होती है उसमें एक पंचम यहाँ पे होल होता है जिसकी वजह से वो कट नहीं होता वहाँ पे। तो साउथ इंडियन फ्लूट फ्लॉटिस्ट जितने भी होते हैं वो इजीली गंधार की जो गमक मींड है बिना किसी कट के बजा सकते हैं। पंचम से जो गंधार की मींड लेंगे तो उसमें कट आना ही है, बट उसको और स्मूथ कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। ऐसे ही जब मध्यम की मीन बजाएंगे तो धैवत से, क्योंकि दो सौ की मीन बजा रहा तो धैवत से आएगा, पर इसमें भी कट आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पंचम नहीं है जो साउथ इंडियन फ्लूट में होता है। तो मध्यम की मीन, मध्यम की मीन। इसके बाद फिर पंचम की मीन निषाद से आएगी। फिर निषाद की मीण आएगी रेसे। फिर सड़ज की मीण आएगी गंधार से। फिर मध्यम की मीण आएगी रेसे, सॉरी रे, फिर रे की मीण आएगी मध्यम से। गंधार की मीन आएगी पंचम से, लेकिन फिर वहीं पे वही कट आएगा, पूरा एक कर्व नहीं बन सकता जब गंधार की मीन बजाएंगे तो, क्योंकि हमारे फ्लूट में पंचम जैसे मैंने अभी बताया ये होता है और मध्यम के बाद यहाँ पे कट आता ही है। सो गंधार की मीन पंचम से। ऋषभ की मीण आएगी वापिस मध्यम से। फिर सड़क की मीण गंधार। नी की मीण आएगी रेस। पंचम की मीन अगेन नी से। सो गाइस अगेन फिर नीचे के मंदिर सब तक तक वैसे ही सेम होगा मीन का। ये हो गई दो स्वरों की मीन। इसके बाद तीन स्वरों की मीन 30 BPM में ही आपको अभ्यास करना है, क्योंकि मेन को जितना आप स्लो करेंगे उतना ही अच्छा कर्व बनेगा और उतना ही अच्छा साउंड आएगा। तो ये है वन नोट की मेन का, मैंने वीडियो पहले बनाया था, आप प्लीज़ उसको पहले देखिए, उसमें आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मेन का अभ्यास कैसे करते हैं। उसके बाद टू नोट मेन, थ्री नोट मेन, फोर नोट मेन और पाँच स्वरों का मेन कैसे बजाते हैं, ये आज जब आप आगे राग बजाएंगे तो आपको ये मेन का अभ्यास बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप कि आपको 2, 3, 4, 5 नोट्स की मीन कैसे बजाते हैं वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँ। और थोड़ा लेट मुझे वीडियो अपलोड करने में, शेयर करने में आपके साथ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवलिंग में भी रहता हूँ। अभी भी मैं आउट ऑफ मुंबई ही हूँ और
पिछले 15-20 दिन से मैं ट्रैवलिंग में ही हूँ और आज मुझे समय मिला तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में बना लेता हूँ। आने वाले फिर 15 दिन मैं ट्रैवलिंग में हूँ, कुछ शोज़ हैं अलग अलग जगहों पे, नागालैंड, मणिपुर। इस वक्त मैं बेंगलोर में हूँ, हमारा कल परफॉर्मेंस था यहाँ पे। आप मुझे इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी शेयर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको गमक कलमकार, मैंने एक वीडियो शेयर किया था कुछ दिन पहले कि गमक कैसे बजाते हैं बांसुरी पे, और नेक्स्ट इसके बाद जो मैं वीडियो शेयर करूँगा वो होगा गमक अलंकार के ऊपर। तो प्लीज़ आप गमक का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, जो कि मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था आपके साथ वीडियो कि गमक कैसे बजाते हैं। तो गमक का आप अभ्यास करेंगे, लेकिन गमक को भी सीखने से पहले आपको मेन का अभ्यास करना चाहिए, तब आपको गमक का टेक्निक समझ में आएगा। उसके बाद गमक अलंकार, अलग अलग अलंकार को गमक में कैसे बजाते हैं बांसुरी पे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर एक एक वीडियो में देता जाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जाने से पहले मैं एक जरूर बात कहना चाहूँगा आपसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बांसुरी सीखना शुरू करते हैं, शुरुआत में तो काफ़ी जोश से वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनका जोश ठंडा होता चला जाता है। तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी उद्देश्य, कोई भी लक्ष्य जो आपने बनाया है, उसको क्रिएट करने से पहले उस वजह को जरूर याद कीजिए जिसकी वजह से आपने वो उद्देश्य बनाया था। नमस्कार।